राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग के जागरूकता कार्यक्रम लगातार जारी हैं। शुक्रवार को कालाअंब में परिवहन विभाग द्वारा एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कालाअंब क्षेत्र में अधिकतर लोग बिना हेलमेट के सफर करते देखे गए, ऐसे में विभाग ने यहां शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया और लोगों को जागरूक किया। सिरमौर जिला में परिवहन विभाग द्वारा एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान बिना हेलमेट सफर कर रहे दोपहिया वाहन चालकों को रोककर परिवहन विभाग ने उन्हें दुर्घटनाओं से जुड़े कुछ वीडियो दिखाकर जागरूक किया। आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि कालाअंब क्षेत्र में अधिकतर लोग बिना हेलमेट के सफर करते देखे गए हैं, ऐसे में विभाग ने यहां इस तरह के शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि करीब एक घंटे की अवधि के दौरान 50 से 60 ऐसे दोपहिया वाहन चालक रोके गए जो बिना हेलमेट के सफर कर रहे थे और उन्हें वीडियो दिखाकर जागरूक किया गया कि कैसे हेलमेट पहनकर जिंदगी को बचाया जा सकता है। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का ये आज पांचवा दिन है और इस फिफ्थ डे में हमने कालाअंब में एक रोड सेफ्टी कैंपेन लगाया है, जिसमें स्पेसिफिकली जो यहाँ पर टू व्हीलर वाले लोग हैं वो ये पाया गया कि बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए हमने ये कैंपेन लगाया था। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे पाए गए हैं जो बाहर के स्टेट से, हरियाणा से हिमाचल में एंटर कर रहे हैं और हिमाचल वाले हरियाणा में जा रहे हैं। कॉन्टिगुअस स्टेट है हरियाणा हमारे यहाँ पर, तो मैक्सिमम लोगों को देखा है वो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर है या फिर उसका पिलियन राइडर है। तो इस मुहिम को हमने थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए कदम उठाया है कि जहाँ हमने ये शिविर लगाया है वहाँ पर जो भी लोग पाए गए हैं बिना हेलमेट के, उनको 10-15 मिनट बिठा कर कम से कम रोड सेफ्टी के तहत जो हमारे टू व्हीलर्स के फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमने उनको एक्सीडेंट दिखाए हैं, ताकि उनको इसका इम्पैक्ट रहे दिमाग में, कुछ उनको समझ आए कि अगर हम हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर इसके अतिरिक्त जिसने हेलमेट पहना है तो वो एक्सीडेंट से कैसे एस्केप हो रहा है। तो जितने लोग आए थे, कम से कम एक घंटे में हमने 50 या 60 से ज़्यादा लोगों को डिटेक्ट किया है जो बिना हेलमेट के चले हैं। यदि ये मुहिम पूरे दिन चलाई जाती है तो बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो हमारी कोशिश जारी है कि लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में जागरूक किया जाए। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।